यूक्रेन पर हमले से पहले रूस की तैयारी तेज। रूस की नेवी ने शुरू किया युद्ध अभ्यास। रिपोर्ट्स बता रही हैं बैरेंट्स सी में रूस की नेवी की वॉर ड्रिल शुरू, और ये वॉर ड्रिल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। और ये क्या साई ऑप्स चल रहे हैं और ये सब कुछ ब्रिंकमैनशिप है, या फिर वो जो इसे ऐसे देख रहे हैं वो शुतुरमुर्ग के तौर पर सच्चाई देख रहे हैं? अब जरा ये समझने के लिए चलते हैं। ये सिंह सर, आपने ये जो बात कही थी, पूरी दुनिया फिंगर्स क्रॉस करके यही उम्मीद कर रही है कि ऐसा हो, लेकिन सर रशियन इंटेलिजेंस और रशियन काउंटर स्ट्रैटेजिस्ट्स क्या ये बात नहीं समझ रहे होंगे कि हमको यहां पर विलेन और एक तरीके से पहला इनिशिएट करने वाला ठहरा कर हमको विलेन बनाने की जो कोशिश है, इसको कैसे काउंटर करना है, क्या उधर नहीं चल रहा होगा? दिनेश जी, जरूर चल रहा है, और रशिया भी अपनी तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। जो रशिया ने बोला है कि हम इतने ट्रुप्स को विड्रॉ कर रहे हैं, रशिया इतना पागल तो नहीं है, सारे ट्रुप्स को तो विड्रॉ नहीं किया होगा, उन्होंने एक सिंबॉलिक सांकेतिक ट्रुप्स को पीछे उठाया होगा और हटाया भी ऐसे होगा कि दोबारा वापस ला सकते हैं। लेकिन देखिए, आप अगर 22 जनवरी को याद करें तो जर्मनी के जो नेवल चीफ इंडिया में आए थे और जब उनको इस्तीफा देना पड़ा इस मुद्दे पर, जब उन्होंने बताया था कि ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो जर्मनी से लेकर रूस तक जो गैस की पाइपलाइन बननी है, नॉर्ड स्ट्रीम जो बन गई है, कमीशन होनी है, उसको रोकने के लिए अमेरिका का ये सारा पैंतराबाजी है, ये खेल वो खेल रहे हैं। ये बात तो अभी कही जा रही है सर, लेकिन अगर ये बात है भी सर, जनरल सिंह, ये बात आपकी मैं आगे बढ़ाता हूं, मैं आपके पास आऊंगा सर, अगर ऐसा है भी, ठीक है, कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, वो अलग अलग हो सकता है गैस पाइपलाइन हो जो कि ज्यादा इविडेंट समझ में आ रहा, हो सकता है कुछ और वजूहात हो, लेकिन नेटो, उसमें यूक्रेन का शामिल होना, 7 फरवरी को उसके लिए रिजोल्यूशन वहां के संसद में पास होना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।